हाय एवरीवन, लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है वो हमेशा अपने एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, सो इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन लिक्विड और सॉलिड के बीच की सरफेस प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका नाम सरफेस टेंशन होता है। लिक्विड की टॉप सरफेस पर अगर हम लोग कोई एक लेयर पर एक लाइन अज्यूम कर लें तो इस लाइन पर भी इस तरीके के फोर्सेस देखने को मिलता है, एंड दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन, या फिर वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया जो है उसको भी हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि मॉलिक्यूलर फेनोमेना है, और एंड इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। सरफेस टेंशन जो लिक्विड का होता है वो सिर्फ लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है, जबकि सरफेस एरिया या लेंथ ऑफ द लाइन पर डिपेंड नहीं करता है, और लिक्विड ड्रॉप जो स्फेरिकल है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही है।